गाइज़ वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। तो गाइज़ मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ आजकल। तो गाइज़ आज है 15 फरवरी और हम लोग जा रहे हैं एक मेला देखने के लिए। हाँ गाइज़, तो हम लोग जा रहे हैं सूरज कुंड मेला देखने, जो कि फरीदाबाद में लगता है एवरी ईयर। तो गाइज़ आज मेला का सेकेंड लास्ट डे है, यानी कि कल मेला ख़त्म हो रहा है और मैं यहाँ था नहीं, तो मैं सोचा चलो सेकेंड लास्ट डे ही चल करके देखते हैं। तो गाइज़ चलते हैं सबसे पहले मेला के डेस्टिनेशन पे। तो अभी मैं द्वारका में हूँ और यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर के आसपास होगा सूरज कुंड मेला का डेस्टिनेशन। तो चलते हैं, फिर मैं वहाँ पे पहुँच करके बात करता हूँ। का गेट नंबर 1 जहाँ से हम लोगों ने इंटर किया। काफ़ी दूर में ये हैंडीक्राफ्ट मेला फैला हुआ है, बहुत सारे स्टॉल हैं। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए सूरज कुंड मेला और इस बार जो सूरज कुंड मेला का जो थीम है वो हिमाचल प्रदेश पे है। बहुत बड़े एरिया में है, तो सबसे पहले एक्सप्लोर करता हूँ फिर दिखाता हूँ। और ये जो सूरज कुंड मेला है, ये 34th सूरज कुंड मेला है और आज सेकेंड लास्ट डे है इस सूरज कुंड मेला का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस मेला को नहीं देखा है और आप दिल्ली NCR में रहते हो तो कोई बात नहीं, या तो आप कल आ सकते हो, लेकिन जब तक मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तब तक यह मेला ख़त्म हो चुका होगा। तो आप चाहो तो मेरे वीडियो को पूरा वॉच करके इस मेला का मज़ा ले सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द मेला। तो चलते हैं और देखते हैं पूरा मेला में क्या क्या है। तो इसलिए सूरज कुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट मेला फेमस किस लिए है? तो ये जैसा आपको बताया मैंने कि ये एक हैंडीक्राफ्ट मेला है, तो यहाँ पे सारे आइटम्स जितने भी स्टॉल हैं वो सारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से रिलेटेड ही हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, सी द क्राउड। तो ये फूड एरिया है मिशन मोमो। तो गाइज हम लोग आज हिमाचली खाना टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैंने पहले खाया है लेकिन वाइफ ने कभी नहीं खाया है, तो हिमाचल का जो वेजिटेरियन फूड होता है वो खाएंगे, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। हम लोग अभी बैठ गए हैं हिमाचली खाना टेस्ट करने के लिए और सबसे पहले राइस पर। तो
तो गाइस हम लोगों ने लंच कर लिया, हम लोगों ने बेसिकली हिमाचल का जो लोकल फूड होता है वो टेस्ट किया। खाना बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही बनाया जाता है जैसे हिमाचल में लोकली बनाते हैं, और फिर टेस्ट भी सेम था। लास्ट टाइम मैं जब गया था हिमाचल तो वहाँ पे खाना खाया था, वहाँ का टेस्ट और यहाँ का जो टेस्ट था बिल्कुल सेम था। कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं था, 250 रुपीज़ वेजिटेरियन, नो 500 फॉर 3 पर्सन, 250 रुपीज़ पर प्लेट। टेस्ट ऑसम था, बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट था जैसा हिमाचल में मिलता है। एक्चुअली यहाँ का टेस्ट इसलिए करना चाह रहा था ताकि सोचा कि इस बार का जो थीम है वो हिमाचल का है, तो फूड भी टेस्ट करते हैं वो हिमाचल का। बचपन में ये मूवी देखा करते थे जब बहुत छोटे थे, आज अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, उन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा। गाइस यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं वो ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट मटेरियल के स्टॉल हैं, यू कैन सी। ये पूरी की पेंटिंग्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, उन्होंने सही बोला, मधुबनी पेंटिंग से डिफरेंट है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सूरजकुंड मेला का। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।